हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कल रात को हमें आना पड़ा टाइम से यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, कुछ अपना काम था इधर, एक कोई मीटिंग है हमारी, तो उसके लिए आए हैं। और जैसे यहाँ पे आए उसके बाद स्मॉग फॉग और यही सब दिख रहा था। अभी भी आप देखिए किस तरह का दिख रहा है, इधर सामने आप देखिए, उतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर होता है इस टाइम पर इस मंथ में। और आज हमें नोएडा भी जाना है, तो उधर का भी आपको हालचाल दिखाएंगे क्या है। बाकी ये ग्रेटर नोएडा है, ओमेगा 1 सेक्टर है और P3 गोल चक्कर पे हम जा रहे हैं। बाकी तो हरियाली काफी है इधर, आपको पता ही होगा। जितने लोग भी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं कमेंट करिए और बताइए कहाँ कहाँ आप रहते हैं। तो चलिए आपको आगे अपडेट करते हैं, जरा आप जरूरी काम अपना निपटा लें उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये परी चौक आ गया है और सामने आप देखिए बिल्डिंग दिख नहीं रही है, तो इतना ज्यादा स्मॉग हो चुका है। और आप सोचिए यमुना एक्सप्रेसवे पे भी हमें कल स्मॉग मिला और ग्रेटर नोएडा में भी काफी है, तो नोएडा दिल्ली का तो हाल बुरा ही होगा। और ये कुछ इस तरह का है परी चौक, पहले गोल चक्कर एक तरफ से बंद कर दिया था इन्होंने, लेकिन अब ये पूरा खोल दिया है और ट्रैफिक काफी है, वो अपनी मेट्रो की लाइन है। बाकी ये सारा नॉलेज पार्क है इस तरफ, और एक्सपो मार्ट भी इसी तरफ है, आप लोग आए होंगे, ऑटो एक्सपो यहीं पे लगता है। तो ये था ग्रेटर नोएडा का परी चौक, और अभी हम जा रहे हैं नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे से जाएंगे, तो उधर की भी आपको दिखाएंगे क्या नज़ारा है, स्मॉग से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊंची बिल्डिंग कैसी दिख रही है, तो वो सब आप देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो काफी सक्सेसफुल हुई है ग्रेटर नोएडा में, कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो चुकी है। और देखिये साफ सफाई का यहाँ पे काफी ख्याल रखा जाता है, रोड पूरी चमक रही है इधर। और ये देखिए ये नए तरीके के मोबाइल टावर लगने लगे हैं इधर, ये देखिए आप राइट साइड में आपको पूरी फुलवारी दिखेगी इधर। लेकिन ट्रैफिक आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग बस रहे हैं ट्रैफिक बढ़ रहा है, हर सिटी में यही है। और लेफ्ट चले जाएंगे तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे आगरा जाने के लिए, आगरा कानपुर लखनऊ। तो ये देखिए अभी समय 1 बज रहा है, 1:15, और सामने की बिल्डिंग भी साफ नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा धुंध है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यही है, दिल्ली में आए तो मास्क पहनिए और अगर हो सके तो बाहर ना निकलिए, बहुत जरूरी काम नहीं है तो। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी हो चुका है, ये भी गुलशन की नई बिल्डिंग है और इस तरफ भी काफी कंस्ट्रक्शन है, सब रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, पेटीएम वगैरह की बिल्डिंग भी इसी रोड पे आ चुकी है, काफी बड़ा ऑफिस बनाया उन्होंने भी। तो इस टावर में इंफोसिस का है ऑफिस, पता नहीं आपको दिखा पा रहा हूं मैं कि नहीं, ये देखिए। तो इन्फोसिस दिल्ली NCR में कभी नहीं थी, इतनी पुरानी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे इनका कभी कोई ऑफिस नहीं रहा, और नॉर्थ में खाली एक चंडीगढ़ में होता था, मोहाली में, लेकिन दिल्ली NCR में कोई ऑफिस नहीं रहा, ये इनका फर्स्ट ऑफिस है जो ओपन हुआ है।
दोस्तों बड़े सालों बाद यहाँ पे आया हूँ। सामने मॉल ऑफ इंडिया आपको दिखेगा, उस तरफ है GIP और यहाँ पे गार्डन गैलेरिया जहाँ पे नोएडा की नाइट लाइफ चलती है, और वो सामने है वेव के टावर। यहाँ पे टी सीरीज का ऑफिस है, ये शिव जी की आपको मूर्ति दिख रही होगी, तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। लेकिन आप देखिए धूप में तेजी नहीं है, क्यों नहीं है आप सब जानते हैं, क्योंकि स्मॉग चल रहा है। तो अब आगे चलते हैं, भाई देखो बम्पर सर पे रख के ले आ रहा है। ये है नोएडा का सेक्टर 16 गाड़ी का मार्केट, गाड़ी की पेंटिंग रिपेयर सब आपका यहीं पे हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये है नोएडा का सेक्टर 16, यहाँ पे कारों का मार्केट है, नई गाड़ी का मॉडिफिकेशन, हर तरह का रिपेयर, इंजन रिपेयर, बॉडी रिपेयर, सारे काम होते हैं। हर टाइम पे यहाँ पे जाम लगा रहता है। इधर ही हम अपने काम से आए थे और काम अपना हो गया है, अब वापस जा रहे हैं। और भैया आगे अट्टा, सेक्टर 18 अट्टा मार्केट नोएडा का। और ये देखिए दिवाली की धूम, पूरे रोड तक आ गए हैं लोग सामान बेचने के लिए। देखिए दिवाली पे यही होता है, हौच पौच होती है, ट्रैफिक होता है काफी। तो देखिए सब मिल रहा है, डेकोरेशन का सारा सामान है यहाँ पे। तो नोएडा का काम हो गया दोस्तों, मीटिंग अपनी हो गई। और ये देखिए ये वेव सिल्वर 1 टावर, ऐसा लगता है ना इसके बीच में से प्लेन निकल सकता है। देखिए कितनी जगह है यहाँ पे, पता नहीं शायद निकलता भी हो, हमें क्या पता। स्मॉग काफ़ी है, कहना पड़ेगा बहुत स्मॉग है। अब एक तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई आर्टिफिशियल रेन करा दीजिए, इतनी टेक्नोलॉजी है आजकल सबके पास, बट मालूम नहीं आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं हो सकती इंडिया में, खासकर दिल्ली NCR में अगर करा दें हफ्ते में 2 बार तो ये सब सेटल डाउन हो जाएगा। और ये इस तरफ देखिए ग्रेट इंडिया प्लेस, और ये नोएडा का सबसे पुराना मॉल सेंटर स्टेज मॉल, जिसको वेव मॉल बोलते हैं, पहले इसको सेंटर स्टेज या CSM मॉल बोला करते थे। और इसके सामने ही आपको मॉल ऑफ इंडिया मिलेगा जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो वापस नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ गए, अपनी जो मीटिंग थी वो हो गई है, और ये व्लॉग यहीं तक ही। स्मॉग देख के काफी दुख हुआ, आई होप नेक्स्ट ईयर सिचुएशन थोड़ी बढ़िया हो। तो तब तक ले गाइज ये वीडियो यहीं तक ही, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।